Okay, two way debate. No, listen. No, if I have been asked a question, let me ask you. Okay, there are two ways. Pushpendra ji, I have been Pushpendra ji. Discrimination against all Indians also. No, no. Yeah, that's also another point. I will tell you. See, this is the precise misinformation campaign that has been started. Listen, my dear. आप मिसलीड कर रहे हैं, जितने भी कश्मीरी के लोग आ रहे हैं, तमाम लोग मिसलीड कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आर्टिकल 35A प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का धारा बनी, और आपने जो एक चीज छुपाई हुई है जो कोई डिबेट में कश्मीरी नहीं बोल रहा है, आप ये बताइए कि 1954 के अंदर 14 मई में यह लागू होता है, लेकिन आपने इसकी कट डेट क्या बनाई, 1947 क्यों नहीं बनाई? क्योंकि 1947 के बाद जो कश्मीरी पाकिस्तान से आया था, पीओके से आया था, वो 99% हिंदू था। आपने उसको वहां की शहरियत से, वहां की सिटीजनशिप से महरूम किया आपने, और उसको सड़कों पर रह रहा है, और आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं। और आज पिटीशन एक अपील डाली गई, अर्नब एक अपील डाली गई है, ये कहा जा रहा है कि साहब वहां डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो ऑन है, तो वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑन है। लिसन, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस और पंचायत के लिए है, लेकिन 7 लाख लोग वोट नहीं दे सकते, पंचायत में नहीं दे सकते, विधानसभा में नहीं दे सकते। आपने 1956 में, ये कौन सा निजामे मुस्तफा है आपका, ये कौन सी आपकी जमहूरियत है कि आपने 1956 में 200 वाल्मीकि परिवारों को बुलाया कि शेख साहब की गंदगी साफ कीजिए, और आज आप कहते हैं कि वो शहरी नहीं है, और उसमें सबसे इनह्यूमन काम जो आपने किया है वो ये है, आपने कहा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कहा गया उसके अंदर कि वो जो लोग हैं दलित, उनकी औलाद जम्मू कश्मीर में उसको सिर्फ स्वीपर की नौकरी मिलेगी। ये कौन सा निजाम मुस्तफा आपने बनाया भाई, ये कौन सी डेमोक्रेसी? मैं इसको एक्सप्लेन करूं, और मैं इसको एक्सप्लेन, मैं इसको एक्सप्लेन करूं व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए मैं एक्सप्लेन करूं। दो मिनट दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही हैज द राइट टू आइडेंटिटी, काम डाउन पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ शांत हो जाइए। This is a very important point and I want to...